हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम जाने वाले हैं एक बर्थडे पार्टी पर। होली का दिन है, होली पूजा हमने मॉर्निंग में कर ली है, तो फाइनली मैं रेडी होने वाली हूँ और ये मेरी पहली गेट रेडी विद मी वीडियो है। सो देखते हैं कि कैसी टर्न आउट होती है, मतलब कैसा निकलता है आउटफिट, कैसा आउटकम निकलता है। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है, पर मैं ट्राई करूँगी। मुझे सच में मेकअप नहीं आता है पर मैं फिर भी ट्राई करूँगी। एनी वेज वो बात की बात है, लेकिन जो भी प्रोडक्ट मैं लगाने वाली हूँ, जो भी यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस पे, मैं वो आपको बताती जाऊँगी। एंड वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आउटफिट आप देख लो। ये है मेरा आउटफिट जो मैं आज पहनने वाली हूँ। काफ़ी अच्छा है, मल्टी कलर है, तो ज्वेलरी को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ कि जो ज्वेलरी है वो गोल्ड पहनूँ या, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर ना मोस्टली लोग, मैंने नोटिस किया, हम हर साल वहाँ पर जाते हैं, हर साल वहाँ से हमें इन्विटेशन आता है, सो इट्स फैमिली, तो मोस्टली लोग वहाँ पे ना गोल्ड ही पहने रहते हैं, तो मैं गोल्ड ज़्यादा प्रेफर करती नहीं हूँ। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इस बार अपने लिए गोल्ड निकाला हुआ है, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। दिस इज़ माई गोल्ड सेट, आपको दिख रहा है, ये सोने का है। तो आई एम कन्फ्यूज वेरी कन्फ्यूज, बट मैंने इस बार फाइनली सोचा है कि मैं कुछ ओरिजिनली पहन के जाऊँगी, सो लेट्स सी कि कैसा निकलेगा। तो आई एम कन्फ्यूज, एक मैंने निकाला है ये, एंड अनदर वन, सॉरी फॉर द साउंड, बहुत जोर से आई होगी ना। दूसरा मैं सोच रही हूँ कि आई थिंक आई शुड ऑल्सो, आई मस्ट ट्राई दिस डायमंड सेट ऑल्सो, तो देखते हैं, वो बाद की बात है, रेडी होने के बाद जब मैं ट्राई करूँगी। बट आई एम कन्फ्यूज इन दीज टू, और दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास मेरी ज्वेलरी जो हमेशा भरी ही रहती है, तो उसमें से कुछ मिक्स एंड मैच करके आई डू दैट। तो शुरू करते हैं फटाफट। तो आउटफिट पहन लिया है मैंने, इस तरह का लुक आ रहा है। बट एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, ये ना पैडेड था और मैंने इसके पैड्स रिमूव करवा दिए, बट वो रिमूव तो हो गए ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दैट ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये मेरे टेलर ने किया ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं किया था, प्लान बी रेडी ही नहीं था। चलो एनीवेज, इसी को करेंगे आज, हम जो भी होगा इसी के साथ होगा, बट इतना बुरा नहीं लग रहा है। यस, मैं एक बार मिरर में देख लेती हूँ, इतना बुरा सीरियसली नहीं लग रहा है, एक बार मैं रेडी हो जाऊँ उसके बाद आप लोग बताना। चलो, सो ये तो था पहला पार्ट। नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू यूज टोनर ऑन माई फेस, तो ये टोनर मैं, एक सेकेंड, सो दिस वॉज द टोनर, ये टोनर आई थिंक जॉय ब्रांड का है, मतलब कोई भी लोकल टोनर ले लो आप, लोकल नहीं मतलब कोई भी ब्रांड का, लोकल मेरे मुंह से निकल गया, किसी भी ब्रांड का आप टोनर ले लो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ये एलोवेरा प्लस नीम टी ट्री वो सब कुछ है इसमें, मतलब दिस इज़ बेसिकली फॉर एक्ने स्किन, मेरी एक्ने स्किन है तो ये उसके लिए है। इसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं, मतलब ड्राई सूख जाएगा वो, आप लोगों को लग रहा होगा इतनी जल्दी जल्दी क्यों बना रही है ना, उसका रीज़न ये है, अगर थोड़ी देर में वो आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उसका रीज़न क्या है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बना रही हूँ। मेरे बच्चे, माय किड्स, ओके, सो टोनर जो है वो गेट रहा है। एनीवेज, सो दिस इज़ माई नेक्स्ट स्टेप, फेसिस कैनेडा की 3-in-1 मैट फाउंडेशन। सो 3-in-1 मीन्स तीनों चीज़ें हैं इसमें, फाउंडेशन है, मॉइस्चराइजर का भी काम करता है और सनस्क्रीन का भी काम करता है। सो इसको मैं बेसिकली ले लेती हूँ, मैं ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करने वाली हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ मेकअप आता ही नहीं है मुझे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, तो एंड में आप लोग बताना कि ठीक ठाक लग रहा है, बहुत बेसिक सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ओके। बिफोर दैट मैंने स्किप वन स्टेप, ये थर्ड स्टेप है, सो अनदर वन इज, नेक्स्ट इज, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा मुझे, सो नेक्स्ट इज दिस इज स्वर्ण ग्लो ऑयल, तो ये मैं आजकल कॉन्टिन्यूसली यूज कर रही हूँ, इट्स अ ग्लो सीरम, इसकी हम बस ज़्यादा नहीं, 2-3 ड्रॉप्स ही मैंने लिए इसकी, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट लाइक, थोड़ा सा येलोइश ऑरेंजेस है ये, इसको मैं अच्छे से यहीं पे कर लेती हूँ।
तो ऑब्वियसली अगर ऑयल है तो इट विल गिव अ नाइस यू नो ऑयली इफेक्ट टू योर स्किन, और अगर स्किन पे ऑयली इफेक्ट होगा तो नेचुरली आपका जो फेस है वो ग्लो वाला लगेगा। तो इसको मैंने अच्छे से अपने हैंड से अप्लाई कर लिया है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, काफ़ी अच्छा है ये, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। और अभी रिसेंटली ही मैंने मंगवाया था, मैंने आई थिंक इसकी रिकॉर्डिंग की हुई है बट अभी तक डाली नहीं है, पर मुझे इसके अपने स्किन पे काफ़ी फ़ायदे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हुआ, आई थिंक 15 या 10 डेज ही हुआ है। तो ये हो गया, दिस इज़ द नेक्स्ट सेकेंड स्टेप। ओके सो उसके बाद दिस इज़ द थर्ड स्टेप जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फेसिस कैनेडा की है ये, एंड दिस इज contain vitamin C, orange extract and SPF 30. Okay. इस पे कुछ ऐसा शेड नहीं लिखा है क्या? Which shade I am using? होता तो है. But it's not written anywhere. Maybe I'm missing it. But ये मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही लिया हुआ है. ठीक है? So this is according to my skin. मैं इसको लेने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माय हैंड। और ये निकल ही गई है, आई डोंट नो ये कैसा होने वाला है वैसे, बिकॉज फर्स्ट टाइम है ना। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई, आई एम सॉरी मैं ना वीडियो थोड़ा सा पॉज करती हूँ बिकॉज मैं इसको मिरर में देख के प्रॉपरली करना चाहती हूँ, बट ओवरऑल मैं आपको दिखा दूँगी। फिंगर से ना मैंने इसको प्रॉपरली अपने फेस पर लगा लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू मर्ज इट, यू नो अच्छे से मर्ज कर लेंगे, मतलब स्किन में पूरा ये चला जाए। मैं मोटा मोटा आपके साथ कर रही हूँ, उसके बाद फाइनली यू नो एक बार थोड़ा सा मिरर में देख के टचअप करना ही पड़ता है बिकॉज दिस इज फोन, मिरर इज मिरर। ओके सो इस मतलब तीन ही स्टेप में ना मुझे अपना फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। सॉरी यार ये मैं काट दूंगी। यार मैं कैसी हरकतें करती हूँ यार, सीरियसली सॉरी सॉरी। सो ये है फाउंडेशन के बाद मेरा चेहरा, मैंने इसको अच्छे से मर्ज कर लिया है और बिकॉज ऑफ दैट ऑयल जो ग्लो मैंने जो ऑयल मैंने लगाया था उसकी वजह से, अब सॉरी कुछ लग गया, सो उसकी वजह से ना काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया। और मैं पता नहीं फ़ोन में ही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है फ़ोन के कैमरे में, बट मेरे फेस पे नेचुरली ही एक ग्लो है और मुझे इतना ही अच्छा लगता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे मेकअप इतना नहीं अच्छा लगता है बट मैं कर रही हूँ। सो नेक्स्ट वी आर यूजिंग दिस फेसिस कैनेडा का ही कंसीलर। कंसीलर की मुझे इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, जस्ट यू नो हल्का हल्का हम आईज वाले एरिया में लगा लेंगे। मुझे लगाना भी नहीं आता है तो कमेंट मत करना गंदे गंदे। तो दिस बेसिकली कंसीलर आई थिंक हमारे जो डार्क एरियाज होते हैं उनको कवर करता है, इतना ही समझा मैंने अभी तक। बट एनीवेज अच्छा करेंगे, अच्छा लगे तो ही लाइक करना, ठीक है ना। बाकी व्यू देख लेना, क्या दिक्कत है, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं। ओके मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कम बोलना है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू नो यूट्यूब, तो भूल जाते हैं हम। इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी ऐसे। तो भैया इसको भी हम अच्छे से विद द सेम स्पंज अभी कर लेते हैं मर्ज। हल्का सा मैं फाइनल टचअप दूंगी मिरर में देख के, बिकॉज बता ही चुकी हूँ मैं आपको फ़ोन कैमरा एंड मिरर इज़ डिफरेंट। दिस इज़ मी आफ्टर यू नो कंसीलर, कंसीलर भी मैंने लगा लिया, अच्छे से मर्ज भी कर लिया है। सो अब बारी है आईज़ की, मतलब वो बोलते हैं ना अगर आईज़ का मेकअप अच्छे से हो गया तो आई थिंक इट्स गुड, और मेकअप मुझे आता नहीं है। सो आई यूज़ दिस डॉक्टर टेप फॉर आईज़ मेकअप। मैं बता देती हूँ मैं लगाती हूँ, मैं दिखाऊंगी लग के मैं कैसी लगूंगी वैम्पायर। सो मैंने लगा ली है ये डॉक्टर टेप, इससे क्या है ना आईज़ की जो ये शेप है, मतलब आईज़ पे आप आई शेडो जो अप्लाई करते हो वो बहुत अच्छे से लगता है। तो मैं ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी, मैं बहुत ही हल्का सा, विच गोज़ रियली वेल विद द आउटफिट विद द सूट। मैं पिंक की ही शेड लेने वाली हूँ एंड मैं करने वाली हूँ, अभी इसमें देख के नहीं करूँगी, मैं करके आपको मैं दिखा दूँगी। बट हाँ मैं शेड भी अभी
कंफ्यूज हूँ. बेसिक शेड जो है आई थिंक आई शुड गो विद द नूड वन ना. सो आई एम यूजिंग दिस नूड एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा मर्ज कर लूँगी इसमें हल्का सा, बिकॉज ये ऑरेंजेस या मैं पिंक भी ले सकती हूँ, अभी डिसाइडेड नहीं है. तो करने के बाद मैं आपको बता दूँगी कि मैंने कैसा लिया. सो हाय गाइस, आइस का जितना मुझे मेकअप करना था वो मैंने कर लिया है. मैं टेप हटा रही हूँ आपके सामने. सो आपको दिख रहा है हल्का हल्का सा, बस मुझे इतना ही चाहिए. मतलब इस पर अभी आईलाइनर लगेगा, काजल लगेगा, तो ये और यू नो हाईलाइट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा जब मैं अपनी ब्राउज भी बना लूँगी. तो अभी मैं कलर आपको बता देती हूँ जो जो भी मैंने यूज़ किए हैं. सो फर्स्टली आई यूज़ दिस एज अ बेस, दिस वन. ओके, उसके बाद मैंने हल्का सा शिमर लिया है, हल्का हल्का सा न्यू एट द एंड. एंड उसके बाद मैंने लास्टली जो ये पिंक शेड आ रहा है ना, उसके लिए मैंने लिया है दिस ग्लिटर, हल्का सा ही ग्लिटर. तो इतना ही मुझे अच्छा लगता है, मतलब इससे ज़्यादा ओवरऑल जो लुक होगा ना वो अच्छा आएगा इससे. तो इससे ज़्यादा भाई हम प्रोफेशनल नहीं है. अपन कभी कभी करता है. ओके, सो इतना मेरे लिए इनफ है. सो मेरा बेस रेडी हो गया है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं हल्का सा जो बनाना पाउडर है वो अप्लाई करूँगी अपनी फेस पे एंड हल्का सा, और देखूँगी आईज़ का अगर कुछ होगा तो, अगर नीड लगी तो. वैसे मुझे लग नहीं रही है, मैं इतने में ही आई एम डन. तो अभी हम बनाना पाउडर लगाना शुरू कर रहे हैं, जस्ट टू यू नो. जो टेप वाला एरिया था ना उसको हम, आपको लग रहा होगा नहीं ब्लैक 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 ब्लैक, तो मैंने सुबह काजल अप्लाई किया था एक्चुअली, तो मैं इसी के ऊपर काजल लगाने वाली हूँ. और इसको मैं एक बार मिरर में देखूंगी ऑब्वियसली, उसके बाद मिलती हूँ आपसे. सो नाउ आई एम यूजिंग दिस यू नो ब्लशर, स्विस ब्यूटी का है ये. And now I'm applying this highlighter. वो भी हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का हल्का से ही करेंगे. नो ओवर द फोरहेड, मतलब जहाँ पे भी हाईलाइटर की रिक्वायर्ड होती है, नोज एरिया, दिस चिन एंड दिस. मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ माई काजल अप्लाई करने वाली हूँ, आईलाइनर एंड ब्राउज बनाने वाली हूँ, दैट्स इट. एंड लिपस्टिक ऑब्वियसली, बस इतने में ही आपको काफ़ी अच्छा चेंज नज़र आ जाएगा. सो लेट जस्ट अप्लाई दिस. काजल मेरी फेसिस कैनेडा की ही है. ओके, फेसिस कैनेडा की है. दिस इज़ मी अगेन आफ्टर अप्लाइंग काजल. मैंने काजल लगाया और काजल को ही हल्का सा ना इसी के बैक साइड से, ये जो स्पंज है इसी से मैंने हल्का सा स्मज कर लिया है. सो नेक्स्ट इज आईलाइनर. दिस इज़ मैक का आईलाइनर है, ये काफ़ी अच्छा है. और ब्रश वाला है ना, तो ज़िंदगी में पहली बार आईलाइनर लगाना आया है मुझे बिकॉज ऑफ दिस ब्रश वाला. तो एक जेल आता है वो तो लगता ही नहीं है, ज़िगज़ैग बन जाता है. एनीवेज ये काफ़ी अच्छा है, ये मुझे लग जाता है. तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस एंड देन माई फेवरेट मस्कारा जो कि मैक का ही है, तो ये भी मैं लगा के एंड आई जस्ट कम बैक विद यू. मैं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ करके आ रही हूँ, बस मैं मिरर में देख रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ उल्टे फुलटे लग जाए इसलिए. सो कैन यू सी द डिफरेंस इन माय आईज, मेरा लाइनर लग गया है एंड आई जस्ट लव दिस आईलाइनर. मतलब मैंने जब से ये यूज़ शुरू किया है ना, ये इसको यूज़ करना मैंने जब से शुरू किया है, मैं परफेक्ट हो गई हूँ आईलाइनर लगाने में. मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, सीरियसली, वरना मुझे आईलाइनर आज तक लगाने ही नहीं है. नाउ द मस्कारा. सो माय मस्कारा इज आल्सो डन. आपको दिख ही रहा होगा मेरी आईलैशेस में जो वॉल्यूम आ गई है, सी है ना. तो ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करने का कुछ तो फ़ायदा है वैसे. ओके, सो ब्राउज रह गई, उसके लिए भी मेरे पास ये मैक का ही है, दैट इज़ ब्राउन इन शेड आईब्रो फिलर. ये भी मैं अभी बस टचअप करके एंड आई एम डन. उसके बाद लिपस्टिक रह जाएगी यार. सो आईब्रोज आर ऑल्सो डन. मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा है एक साइड की थोड़ी सी मोटी हो गई है, अब उसको कैसे ठीक करूँ मैं, करती हूँ. बट हल्का सा ही लग रहा है मुझे ना, मुझे लग रहा है ये वाला मैंने थोड़ा ज़्यादा मोटा कर दिया, ये पतला है, क्या होगा मेरा. एनी वेज करते हैं कुछ, विल डू समथिंग. ओके, सो लिपस्टिक के लिए सबसे पहले
आई एम यूजिंग दिस यू नो लिप लाइनर. उसके बाद मैंने दो शेड निकाले हुए हैं लिपस्टिक के जो कि मैं अप्लाई करने वाली हूँ. दीज टू न्यूड शेड है, मतलब न्यूड पिंक, यही अप्लाई करने वाली हूँ. सो उसके बाद हम डा मैंने सिर्फ यू नो लिप लाइनर जो होता है, लिपस्टिक पेंसिल जो होती है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मतलब आपको लग रहा होगा ना कैसी झल्ली है, मतलब मेकअप ट्यूटोरियल दे रही है और इसे कुछ भी नहीं पता है. बट मुझे इतना पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कौन से हिस्से पे लगती है, कौन से पार्ट को यू नो हाईलाइट करने के लिए लगती है. सो दिस इज़ अ लिप पेंसिल. और जो मैंने शेड लगाया ना इस सूट के साथ वो भी जा रहा है, काफ़ी अच्छा जा रहा है. मतलब मूड भी आजकल ना इन है काफ़ी, तो मेरा माइंड हल्का सा चेंज हो रहा है कि मैं ऐसा ही कुछ कर लूँ क्या. मतलब सीरियसली फोन में जितना नहीं आ रहा है ना वो सामने देखने से आ रहा है. And I think I should go with this. अच्छा लग रहा है ये. अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कि मैं ये वाला ट्राई करूँ और कुछ उल्ट पुल्ट हो गया तो देन वॉट, देखी जाएगी. खोल तो लूँ. ओके, इन दोनों को ना मैं मर्ज कर लेती हूँ. तो देख रहे हो आप, मैंने लिपस्टिक के साथ थोड़ी सी छेड़खानी की है. मैंने ना जो पहले लगाया था उसके बाद मैंने ये वाला लगा लिया है और ये भी इतना बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है. मतलब दिस इज़ ऑल्सो न्यूड शेड ना, तो ये भी अच्छा लग रहा है. सो मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन. अपने पति की निशानी मैं लगा लेती हूँ, विच इज़ दिस क्यूट सा. मैंने लिपस्टिक ले ली. ये आप लोगों के साथ भी होता है क्या? अरे यार ये रेड था ना इसलिए. वीडियो पोस्ट करूँ? ठीक है. सो नाउ दिस इज़ द यू नो एग्जैक्ट सही आइटम मेरे हाथ में है. नहीं क्या होता है ये सिंदूर, सिंदूर तो लगाना ही भूल गए, आता ही नहीं है, लगाते ही नहीं है अब तो हम सिंदूर. सो दिस इज़ बेसिक सा जो मैंने यहीं पे लगा लिया. सो आई एम डन. नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू डू विद मी, आपको मेरी ज्वेलरी चूज करने में मेरी हेल्प करनी है. चलो अब हम ज्वेलरी ट्राई करेंगे कि कौन सी अच्छी लग रही है, और आप मुझे बता देना प्लीज 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 प्लीज. देखने के बाद ही बताओगे वैसे वो, तो अभी कैसे बता पाओगे. अभी मैं खुद से सेलेक्ट कर लूँगी. ओके, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जो मैंने डाल ली वो या जो मैंने छोड़ दी वो. ओके चलो बाय. नहीं बाय नहीं, मतलब अभी आ रही हूँ मैं. अच्छा आप लोगों को पता है अभी अभी मैंने क्या किया है? मैंने ना पूरा ये देखो ये वाले साइड का डाल लिया और मुझे जो भी बोलना था वो सब मैंने बोल दिया. आई वॉज थिंकिंग के रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा. फिर मेरा ध्यान गया कि तूने कैमरा तो ऑन किया ही नहीं है. बट लकीली इयर रिंग्स पहन रही थी तो ऑप्शन है. ओ बाल भी चली गई अंदर इसकी सर ऐसे किसी. तो यार मतलब आप लोग ना, मैंने इससे पहले जो बोला था वो यही बोला था कि आप लोग ये मत समझना कि मैं औरों को देख के पहन रही हूँ. बट हाँ जब मैंने वहाँ पे लोगों को पहने हुए देखा, मैं हर बार देखती हूँ वहाँ पे, तो देन आई रियलाइज कि अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ गोइंग यू नो, तो आपको कभी कभी तो ट्राई करना ही चाहिए ना. आर्टिफिशियल के अलावा आपके पास कुछ ओरिजिनल चीज़ है अपनी खुद की, तो आपको ट्राई करनी चाहिए वो चीज़ पहनने में. एंड अब देखो इयर रिंग्स इतने बुरे नहीं लग रहे ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं डायमंड के साथ ही जाने वाली हूँ. यार मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी सॉरी, खुश हो जाती हूँ मैं खुद ही पता. तो हाय गाइस, देखो आप कैसा लग रहा है ये, मतलब शुड आई गो विद द डायमंड वन या मुझे गोल्ड का भी ट्राई करना चाहिए. सी क्या मिरर में देखो, तो यार अच्छा तो लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा लग रहा है. बट ट्राई कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा ना जो भी बेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग अभी तो बता नहीं पाओगे. ओबियसली आप लोग तो देखोगे, देन ओनली यू विल टेल ना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था. कमेंट पे आप मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा अच्छा लग रहा था, प्लीज़ बताना. जो भी थोड़े बहुत लोग मेरी वीडियो देखते हैं,
वो ज़रूर बताना। एंड अगर कोई नया देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा। अभी रिसेंटली पता है क्या हुआ मेरे साथ, गिने चुने सब्सक्राइबर है मेरे, उनमें से भी 3 कम हो गए हैं। अब आई डोंट नो हु आर दे, थोड़ा सा वेट कर। सो नेक्स्ट इज दिस गोल्ड का, ऐसे पहनने वाला है एंड आई थिंक ये और अच्छा लग रहा है। आई थिंक मुझे ना बाल ना अभी बांध ही लेने चाहिए। सो दिस इज हाउ इट इज एंड आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। काफी सो दिस इज हाउ इट इज। देखा आपने क्या हुआ बेबी, इसका यही निकल गया। सी मतलब इसके नीचे ना ये ऐसे है और ये निकल गया। शुक्र है घर पे ही निकला है। गोल्ड की कीमत क्या करूं, ऐसे भी ठीक लग रहा है क्या? क्या क्या होता रहता है मेरे साथ, मतलब जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। कितनी गंदी हूँ ना मैं सिंगिंग में। अच्छा यार मैं आप लोगों का इतना टाइम नहीं लूँगी, मैं इसको ओपन कर रही हूँ ठीक है। सो ये है इस सेट के इयररिंग्स और आपको मैंने बताया ये अभी नीचे से ना वो कुछ टूट गया, देखते हैं अगर अभी वो फिक्स हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज उसको रख देंगे। आई विल वेयर इट लाइक एज इट इज़ ओनली। तो मुझे लगा ये वाला जो लुक है ना, मतलब यार मुझे बहुत दुल्हन वाली फीलिंग आ रही है इसको पहन के, मतलब बहुत हैवी लग रहा है बट अच्छा भी लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ गंदा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो एक बार इसको फिक्स कर लेते हैं। एक बार पहले भी निकल गया था आपको पता है, एंड आई थिंक इसको ना मुझे ओके ये लोग इसको प्रॉपर फिक्स ही क्यों नहीं कर देते हैं, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता। क्या मुझे ये ट्राई करना चाहिए कि बस इसको अगर ये फिक्स हो गया तो मैं इसको पहन लूँ, अगर ये वहाँ पे जाके बाय चांस, अभी तो घर पे था लकीली मुझे दिख गया, बट वहाँ जाके अगर ये गिर जाता है मुझे नहीं पता चला देन व्हाट। तो भाई देन ये कि मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज घूम तो घूम क्या कर सकते। सो दिस इज द गोल्ड वन, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। मिरर 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 से पूछते हैं, एक सेकेंड अभी आई। अच्छा लग रहा है, मैं यही पहनने वाली हूँ। थैंकफुली आज मेरे बच्चों ने मुझे इतना टाइम दिया हुआ है कि मैं वीडियो ना बहुत तसल्ली से बना रही हूँ, बहुत तसल्ली से। सो मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, बालों का मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस कॉम करूँगी एंड जो मेरी साइड पार्टीशन होती है उसी में ठीक है। एंड यस ओबियसली रिंग्स, सो रिंग्स के लिए मैंने ली है ये रिंग, क्योंकि एंटीक है सब कुछ तो फिर रिंग भी, और ये भी गोल्ड है। मतलब ऐसा मैं सोच रहा कि एक चीज़ बता रही है, चलो मैं नहीं बताती, सो कन्फ्यूज आई एम। तो इन रिंग्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा नहीं कैरी करनी पड़ती, कम ही ज़्यादा है। तो अनदर वन इज़ दिस, तो दोनों में मैंने पहन ली है ये प्रिटी प्रिटी सी रिंग्स, दिख रही है आपको? एंड आई एम डन, दुपट्टा संभाल के दुपट्टा लेके आ रही हूँ एंड ऑल्सो माई फुटवेयर्स। उसके बाद अभी कोई है नहीं घर पे टू शूट दैट थिंग, एक फाइनल लुक आपको देंगे जैसे ही मेरे पति देव आ जाते हैं। ओके सपोर्ट करो यार प्लीज़ प्लीज़। हाय गाइस, देखो सिर्फ एक यही काम मैंने अपने हस्बैंड को दिया था कि वो एक अच्छा सा ना मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे प्रॉपरली दिखा दे, बट दैट इज़ व्हाट ही हैज़ डन। बट चलो आपको इसमें ओवरऑल दिख ही रहा है, आप थोड़ा जूम करके देख लेना एंड मैं इसमें फ़ोटो लगा दूँगी, मैंने एक फ़ोटो भी क्लिक करवाई थी। पतियों से कुछ नहीं होता है, सीरियसली कुछ नहीं कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना। बाय।